हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं रेडमी 9 प्राइम वर्सेस पोको M2। यहाँ पे गाइज इसके पिक्चर क्वालिटी को कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि किसका बेटर देखने को मिलता है। वैसे इन दोनों फ़ोन्स का कैमरा सेंसर आपको बिल्कुल ही सेम देखने को मिलता है, बिकॉज दोनों फ़ोन्स इक्वल्स हैं। बस इसमें 6 GB और 4 GB का डिफरेंस हो जाता है, वरना आप देखेंगे तो बिल्कुल ही सेम है। यहाँ पे गाइज फ्रंट में आपको 8 MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है और बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा का सेटअप दोनों ही फ़ोन्स में देखने को मिल जाते हैं, जो कि प्राइमरी जो कैमरा है वो है 13 MP का, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 5 MP का मैक्रो और 2 MP का एक डेप्थ वाला सेंसर देखने को मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पे डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं, आप देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। और वीडियो अच्छी लगेगी तो जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा सेल्फी का पहला पिक। गाइस यहाँ पे देखेंगे दोनों काफ़ी मतलब क्लोज देखने में आते हैं, बट थोड़ा सा कलर का डिफरेंस देखने को मिलता है, थोड़ा ग्रीनिश लगता है पोको M2। और गाइस यहाँ पे जूम करके मैं और आपको दिखा दूँ तो गाइस यहाँ पे देखेंगे स्मूथ पोको M2 में देखने को मिलता है, बट शार्प है 9 प्राइम। अब दोस्तों ये देखेंगे, ये है एक पोर्ट्रेट सैंपल, तो यहाँ पे भी काफ़ी क्लोज ही देखने में मिलते हैं। और वैसे भी यहाँ पे भी वही मतलब बात हो जाती है, आप देखेंगे 9 प्राइम थोड़ा डिटेल ज़्यादा कैप्चर करता है। और दोस्तों ये रहा बैक की तरफ से, मतलब 13 MP से शॉट किया हुआ, यहाँ पे भी काफ़ी क्लोज है गाइस, यहाँ पे भी मुझे ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। यहाँ पे पोको M2 अच्छा काम किया है। ये भी पिक देख सकते हैं, एक पोर्ट्रेट में लिया हुआ बैक से, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। और गाइस पोर्ट्रेट में काफ़ी क्लोज है, यहाँ पे मतलब ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, बट पोको M2 बैक की तरफ से शार्प देता है पिक। और दोस्तों ये रहा एक मैक्रो शॉट, 5 MP से कैप्चर हुआ, यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब क्लोज है। कलर्स भी आप देखेंगे, सेचुरेशन और बोके जो आया है वो भी काफ़ी क्लोज थे। यहाँ पे गाइस अल्ट्रा वाइड देखेंगे, अल्ट्रा वाइड में भी काफ़ी सिमिलरिटी है, यहाँ पे भी कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। बट हाँ, पोको M2 ज़्यादा शार्प कैप्चर करता है बैक की तरफ से दोस्त, ये मैं मानता हूँ। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं एक मैक्रो शॉट, यहाँ पे भी सिमिलर ही है गाइस। जूम करने पर आप देखेंगे कि जो पोको M2 है वो थोड़ा ज़्यादा ग्रीनिश करता है और क्लोज टू नेचुरल 9 प्राइम में देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और दोस्तों ये पोको M2 का कोई सैंपल्स देख सकते हैं कुछ, जो कि हमने ली थी, तो यहाँ पे आप देखेंगे दूसरे फ़ोन्स में देखने पे कुछ मतलब अच्छा देखने में आता है, बट अगर आप उसी फ़ोन में देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है दोस्त। तो दोस्तों थैंक यू सो मच कि आपने पूरा वीडियो देखा। और गाइस यहाँ पे अब मैं बात करूँ कि कौन सा बेटर निकला मेरे हिसाब से, तो गाइस यहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, काफ़ी क्लोज था यहाँ पे, आप भी देख ही लिए गाइस। और वहाँ पे एक मुझे डिफरेंस देखने को मिला जब हम रेडमी 9 प्राइम और पोको M2 के बीच फ्री फायर का टेस्ट किए थे, कंपैरिजन किए थे स्मूथनेस टच रिस्पॉन्स वाला। तो वहाँ पे गाइस मैंने बताया था कि जो डिस्प्ले है पोको M2 का वो थोड़ा सा ब्राइट है रेडमी 9 प्राइम के कंपैरिजन में, थोड़ा सा ब्राइट मुझे लगा यहाँ पे गाइस, और ज़्यादा मतलब डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। और एक चीज़ मेजर मैंने नोटिस क्या किया गाइस, जब हम पोको M2 में फ़ोटो क्लिक करते हैं और उसी का फ़ोटो उसी फ़ोन में देखते हैं, यानी कि पोको M2 का फ़ोटो पोको M2 के फ़ोन में ही देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हम पिक देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेचुरेशन पिक्चर में आता है। तो मैंने जब क्लिक किया पोको M2 का पिक और रेडमी 9 प्राइम के पिक से कंपेयर किया दोनों अपने अपने फ़ोन साइड में रखकर, तो वहाँ पे गाइस पोको M2 का पिक मुझे बिल्कुल ही बेकार लगा, बिकॉज सेचुरेशन बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा था। और अब भी मैं अपने फ़ोन में दोनों फ़ोन्स की मतलब पिक्चर डाला हूँ, यहाँ पे रेडमी 9 प्राइम और पोको M2 का, तो यहाँ पे दोनों इक्वल सा देखने को मिल जाते हैं, तो ये डिफरेंस हो जाता है। अगर आप जब पोको M2 से पिक क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पसंद नहीं आएगा, बट 9 प्राइम से अगर आप पिक क्लिक करेंगे तो वहाँ पे 9 प्राइम में सेचुरेशन का इशू नहीं देखने को मिलता है। तो इससे ये मतलब निकलता है कि जो पोको M2 का डिस्प्ले है वो ज़्यादा सेचुरेटेड है, इसके वजह से गाइस आप देखेंगे तो थोड़ा वो ग्रीन भी अच्छा दिखाएगा, लेकिन वहाँ पे डार्क जैसा ज़्यादा देखने को मिल जाता है जब आप पिक क्लिक करते हैं, तो इसके वजह से वहाँ पे फ़ोन मुझे सही लगा, बट कैमरा के मामले में वहाँ पे अच्छा नहीं लगा। बट अभी हम अलग अलग कंपेयर कर रहे हैं पिक्चर को दूसरे फ़ोन में डालकर दोनों फ़ोन्स की, तो यहाँ पे इक्वल सा देखने को मिल जाते हैं, तो वहाँ पे डिस्प्ले का मतलब डिफरेंस देखने को मिलता है, बाकी ओवरऑल कहें तो गाइस काफ़ी क्लोज। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस जल्द ही हमारा एक वीडियो आएगा एडिटिंग से रिलेटेड, जो कि हम लाइट रूम को यूज़ करके काफ़ी अच्छा पिक बनाएंगे गाइस, ये आप देख सकते हैं ऐसा कुछ बनाने वाले हैं, तो गाइस उसका आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आप भी एडिट कर सकते हैं मस्त मस्त। तो दोस्तों देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, मतलब ये तो खत्म हो चुका है गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।